हमीरपुर जिला में कोविड टीकाकरण ने गति पकड़ी है। अब तक 63,511 लोगों को टीका लगाया जा चुका है और उन्हें पहली डोज लगाई गई है। उपायुक्त ने पात्र लोगों से टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग लेने की आग्रह भी किया है। उपायुक्त देवश्वेता वणिक ने बताया कि जिला में 63,511 लोगों को कोविड 19 वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 6,365 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। इस तरह से 6 अप्रैल तक जिला में कोविड 19 वैक्सीनेशन की 69,876 डोज लगाई जा चुकी हैं। इसके अंतर्गत 42,029 वरिष्ठ नागरिकों को प्रथम तथा 661 को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इसी प्रकार 45 वर्ष से अधिक आयु के 12,985 लोगों को प्रथम डोज लगाई गई है। जिला में 6,713 हेल्थ केयर वर्कर्स में से 5,895 को प्रथम और 4,082 को दूसरी डोज तथा 3,247 फ्रंटलाइन वर्कर्स में से 2,602 पहली व 1,614 को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों में टीकाकरण में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमीरपुर जिला के कलूर क्षेत्र की 102 वर्षीय सुखा देवी ने कोविड 19 टीकाकरण में पूर्ण उत्साह दिखाया है। वहीं भीड़ बगेड़ा की 92 वर्षीय ब्रह्मी देवी तथा 93 वर्षीय मृतु देवी ने भी टीकाकरण करवाया है। उपायुक्त ने कहा कि कोविड 19 वैक्सीनेशन का टीकाकरण के लिए अब 45 से अधिक आयु के सभी व्यक्ति पात्र हैं। वैक्सीनेशन के लिए वे चिन्हित स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर टीका लगवा सकते हैं। उन्होंने सभी पात्र लोगों से आग्रह किया कि कोविड 19 महामारी के संक्रमण को रोकने तथा स्वयं अपने परिवार और समाज को इससे सुरक्षित रखने के लिए टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही टीका लगवाने के पश्चात मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी तथा हाथों को बार बार धोने और सैनिटाइज करने के नियम का भी पालन करते रहें, ताकि दूसरे लोगों में वायरस ना फैल पाए।